सो हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वेलकम बैक टू माई वीडियो एंड माई चैनल। 339 हो रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट 340। और मैंने अभी अपना पूरा टब जो है, सेटअप जो है, धोया है अच्छे से बिल्कुल, ठीक है। फिल्टर वगैरह भी नहीं लगाया, नो डेकोरेशन, आराम से मेरा कछुआ अच्छा खासा चल रहा है। और अब आप सोच लो कि एक चीज़ नोटिस करोगे, कछुआ कहाँ है मेरा, है ना। तो अभी मेरा कछुआ ना यहाँ पे है, ना उसके स्लीपिंग हाउस में, अभी वो यहाँ पे अपने फीडर टब में, ठीक है। ये मैंने उसका अलग से टब बना रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको बता देता हूँ, अगर पुराने हो तो फिर तो सब जानती है कितनी अच्छी जेन्युइन चीज है मैं लोगों को देता हूँ। और मैं सच बताऊँ तो ना ऐसा होने वाला, ना कभी होगा। और आप देख भी लेना, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, एक भी कमेंट बेकार आपको नहीं मिलेगी, सारा जेन्युइन चीज़ें मैं बताता हूँ और बनाता हूँ। मेरे को सब्सक्राइबर वगैरह से कुछ मतलब नहीं है, ना मैं बोलता सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। कभी कभार ही बोलता हूँ और जेन्युइन चीज बनाता हूँ। चलो आज का जो टॉपिक है वो है, वैसा टाइटल में पढ़ी लिया होगा, आज का एक भी वीडियो स्किप मत करना, हर एक एक सेकंड की वीडियो में वो होती है इन्फॉर्मेटिव मेरी चीजें। तो आज की जो वीडियो है वो है मॉनसून पे कछुओं को केयर कैसे करें। बहुत से लोग होते हैं टर्टल ओनर्स जो होते हैं, घबरा जाते हैं, यार मॉनसून आ गया, क्या हो जाएगा मेरे कछुए को, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। इतना ज्यादा सेंसिटिव कछुए को कभी नहीं बनाते, तो भी पता है मॉनसून है, बारिश है, ठीक है, रेनी सीजन हो रहे हैं। पहले मैं बता देता हूँ जो नए नए जुड़े हैं लोग, कि ये चैनल बिल्कुल जेन्युइन है, अभी से सब्सक्राइब कर लो अगर करना है तो फ्रेंड्स, ठीक है। अब बताता हूँ मैं टोटली मेरे पास कितना जो है कछुए के मैंने सेटअप लगा रखे। कुछ लोग होते हैं एक ही सेटअप में छोड़ देंगे, मैंने 3-4 सेटअप कर रखे हैं, जो पुराने उन्हें पता है, नए जो है, अभी मैं टॉपिक आऊंगा मॉनसून के सीजन पे, पर मैं नई नई चीजें पहले बताना ज्यादा अच्छा मानता हूँ। एक मेरे पास ये सेटअप है, एक मेरे पास ये है, ठीक है, इसमें मेरा कछुआ सोता है, सोख होता है, बास्किंग भी करता है। एक मेरा सेटअप ये है, ठीक है, ये सिर्फ फीडिंग के लिए, कछुए के लिए। अभी पानी क्लाउड हो गया, अभी से मैं इसे इधर से लेकर इधर शिफ्ट कर दूंगा, पर 2-3 मिनट में इसे लैंड पे रखूंगा, ताकि जो है एकदम से जब दूसरे पानी के टेम्परेचर में जाएगा तो इसे कुछ दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। अब मैं एक और सेटअप दिखाता हूँ जो मैं विंटर्स में यूजुअली यूज करता हूँ, और अब मैं उसे अपग्रेड भी करने वाला हूँ, ज्यादा अच्छा लाने वाला कुछ दिनों में दोस्तों। वो है ये वाला सेटअप जो मेरा एक्वेरियम का है। तो अब मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। अभी मैंने फिल्टर वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, ठीक है। चलो अब मैं आता हूँ बेसिक चीज पे, कि हाँ जो आज का जो टाइटल मैंने दिया था कि कैसे केयर करें मॉनसून में। देखो बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं यार कछुए को यार हीटर लगा देते हैं, यार कछुए को पानी में नहीं रखते। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना कछुए को नॉर्मल आप पानी में रहने दीजिए, इतना सेंसिटिव बनाएंगे कुछ भी नहीं हो पाएगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और मैं तो बोलता सर्दी आए ना, उनके 2-3 हफ्तों तक सर्दी के कुछ नहीं लगाना आपको, हीटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, उसके बाद आप लगा सकते हैं। एकदम से लगाएंगे बहुत सेंसिटिव बन जाएंगे कछुए, और कछुए तो होते ही इसलिए एनिमल ही ऐसे कि हाँ उन्हें हार्ड क्लाइमेट में रहने के लिए ट्रेंड होते हैं, पहले से ही नेचुरल होते हैं। तो मैं बताता हूँ, पर कुछ चीजों में, कुछ सिचुएशन में होता है कि कछुए छोटे हैं आपके, न्यू बॉर्न है, अब उन्हें मॉनसून सीजन में ठंड लग जाती है, और मॉनसून क्या, उन्हें गर्मियों में भी ठंड लग जाती है पानी में रहने से, क्योंकि नए नए आते हैं, उनकी इम्यूनिटी में उतनी बात नहीं बन रही होती है। तो उस चीज में आप क्या कर सकते हैं, हाँ उस चीज में मैं बोलूंगा आपको कि आप जो पानी है ना, वो थोड़ा वार्म ले सकते हैं, और वो भी रूम टेम्परेचर का वार्म जो है आप कछुओं को रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा जो छोटे कछुए होते हैं उनको ज्यादा अगर आप गर्म पानी में रखेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, ज्यादा ठंडे में तो बीमार हो जाएंगे, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो बहुत चीजें होती है, एक जानवर रखने की बात यही नहीं होती, वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ठीक है, वो टॉयज नहीं है कि आप इररिस्पॉन्सिबली उन्हें कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप उन्हें लाए तो, ठीक है। एक तरह से मान लीजिए कि आपका उनके ऊपर जो आपका है ना एहसान है उनके ऊपर, ये एक तरीके से ये मान लीजिए उनके ऊपर आपका एहसान है ना, कि मतलब जो भी आप समझ गए होगे। तो अब मैं बताने वाला हूं आपको आपको करना क्या है, ठीक है। देखो मॉनसून में अगर आपको केयर करनी है अपने कछुओं की, तो सबसे पहले तो आपको, अगर मैं छोटे कछुओं की बात बताऊं तो देखो आपको वार्म, अगर नॉर्मल, देखो सेटअप तो सबको बड़ा ही देना है, मॉनसून हो, ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कछुआ अगर ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, डिप्रेस हो गया, तो उसकी हाइट ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, अगर बहुत छोटा कछुआ सेंसिटिव, तो रूम टेम्परेचर पे हीटर में, रूम टेम्परेचर पे अपना जो है आप अपना सेट करके हीटर को जो है रख सकते हैं कछुए को, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल पानी जैसे जो थोड़ा निवायर टाइप होता है, नॉर्मल पानी पे रख सकते हैं, चाहे वो आपको उंगली से लगाने में ठंडा लग रहा है, पर आपकी स्किन हार्ड है थोड़ी और कछुए की थोड़ी नरम है, तो उसको तो उसके लिए तो नॉर्मल पानी जो आपके लिए ठंडा है ना, उसके लिए गर्म पानी है काफी, ठीक है। अपने हिसाब से कछुआ आपका कॉम्पैटिबल नहीं है, ठीक है, वो अलग जीव है, तो अपने हिसाब से मत देखिए कि पानी गर्म है हाबी से डाल देता, जो आपको गर्म पानी लग रहा है ना उसे डबल उबलता हुआ लगेगा। अब मैं बताता हूँ बड़े कछुए के लिए कैसे केयर करते हैं। मैं वैसे तो इसे ज्यादा हैंडल करता नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत के लिए चलता है ना,
देखिए जो बड़े कछुए होते हैं जैसे मेरा कछुआ है ना, तो उनको आप देखिए अभी कितना वो हो रहा है बेचैन, क्योंकि मैं इसे ज्यादा हाथ में लेता हूँ। और ये देखिए इसके काई भी जली हुई जमी हुई शेल पे, क्यों? क्योंकि मैं इसे बिल्कुल नेचुरल रखता हूँ, बिल्कुल नेचुरल का। हालांकि मैं इसे सनलाइट दे नहीं रहा हूँ अभी कुछ महीनों से, क्योंकि गर्मी में मैंने एक महीने से मेरे ख्याल से सनलाइट नहीं दिया। मैं देना शुरू कर दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आप थोड़े ज्यादा प्रो हो जाते हैं जानवरों को रखने में, तो आपको पता होता है कि आपके जानवरों को दिक्कत नहीं हो रही, पर आप न्यू भी है तो आप रोज ही दे। अब मैं वो लेवल की बात, जो प्रो लेवल की बात है, वो मैं आपसे बाद में करूंगा। देखिए तो पहले तो ये देखिए अभी जाना चाह रहा है, तो पहले तो मैं बता दूं कि जो आपका कछुआ है ठीक है, अगर वो बड़ा है तो उसे मानसून में बिल्कुल जो उसका नॉर्मल है, जो उसका नॉर्मल वो सेटअप है, उसमें ही रहने दीजिए ठीक है, बिल्कुल उसमें ही रहने दीजिए। ऐसे ना कीजिए कि आप उसे हटा रहे हीटर में लगा रहे, वो दुखी हो जाएगा खामेखा और मर जाएगा ठीक है। ऐसा नॉर्मल रहने दीजिए, उसको ज्यादा छेड़िए मत, बस यही है। अब मैं आपको अलग से, आपको पता है क्या लगेगा कि इतनी बेसिक गाइड दे रहा है। आपको पता है फ्रेंड्स, कछुए एक बहुत नेचुरल चीज है, इसके लिए मैं अब आपको ये नहीं बोल सकता कि आप 15,000 का खर्चा कीजिए। हाँ जी, कुछ खर्चा नहीं है मानसून के वेदर में, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल। मैं बेसिक गाइड दे रहा हूँ, बिल्कुल ट्रस्टेड बंदा हूँ मैं, बिलीव कीजिए। कुछ नहीं करना आपको अपने बड़े कछुए को, इतना तो कैपेबल करना कि मानसून में कुछ फर्क ना पड़े। मैं गर्मी और मानसून जो वो होता है क्लाइमेट, उसको बिल्कुल सेम लेता हूँ। मैं बिल्कुल अपने कछुए को सेम उसमें रखता हूँ सेटअप में, मैं कहीं हिलाता विलाता इधर उधर कुछ नहीं करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं जरा अपने कछुए को छोड़ देता हूँ, क्योंकि 2-3 मिनट से मेरे हाथ में ही है। अब मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ इधर, और अभी सरप्राइज हो जाएगा कि इतनी देर से उसके अंदर था, अभी बहुत खुश होगा इसमें जाके। और ये गया, देखिए फ्रेंड्स मेरे कछुए को क्या फर्क पड़ रहा है कुछ मानसून सीजन में, मतलब ये ऐसे अपना बैठा हुआ है, अपना मजे कर रहा है, इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और हाँ, बात रही कि वाटर लेवल इतना कम क्यों है, फिर कुछ डेकोरेशन वगैरह नहीं है। हाँ, मैंने बोला था कि मैं लगाऊंगा, मुझे पक्की तरीके से याद है, पर मेरे को जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, ना मेरा कछुए में दिक्कत होती कुछ। और आपको पता है भी, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारी 50-100 चींटियां मेरे टब के अंदर आ रही थी गर्मी के कारण, और मेरा कछुआ उन्हें खा रहा था आराम से, काफी इंसेक्ट भी खा रहा था, तो वीडियो काफी मजेदार थी। तो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जरूर देखना, उससे आपको पता चलेगा कि डेकोरेशन ही सब कुछ नहीं होती है। आप अगर नॉर्मल सेटअप भी दे और अच्छा दे, बड़ा दे, तो आपका कछुआ अच्छा खासा चल सकता है। पर हाँ, मैं तब भी सजेस्ट करूंगा, ये जो अभी मैंने सेटअप बना रखा है, ये बच्चों वाले कछुओं के लिए, जो थोड़े छोटे हैं तो वो इसमें आराम से तैर लेंगे, पर इतना बड़ा कछुआ ये तो अभी इसमें नहीं तैर पाएगा, सिर्फ चल पाएगा। तो मैं इसका वाटर लेवल इंक्रीज करूंगा, पर उसके लिए अभी मेरा कछुआ थोड़ा कॉम्पेटिबल ये लाइक, उसे थोड़ी दिक्कत आती है। मैं एक बास्किंग एरिया तरीके का बना के थोड़ी सी आदत डालूंगा, तो अपने आप फिर ट्रेन हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर आपको, अगर बेबी टर्टल आपके पास 4-5 बेबी टर्टल या फिर एक भी है, तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें एक सेटअप आपको ऑनलाइन मिल जाता है टब, और देखो इसमें कोई हवा नहीं है ठीक है, हवा नहीं है कोई, बिना हवा का है ठीक है। ऐसा ही टब लो, इसमें फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं ठीक है। मौली वगैरह डालो, अपने कछुए को आराम से एंजॉय करवाओ, बहुत ही बढ़िया लगेगा सेटअप। ये नॉर्मल सेटअप है और बिल्कुल, तो कछुओं को अगर मानसून में केयर करना हो तो मैंने यही बताया, बड़े कछुओं को बिल्कुल नॉर्मल रखो, जैसे है गर्मियों में रहते हैं वैसे ही उन्हें इसमें रखो, कोई जरूरत नहीं हीटर वगैरह हो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई कछुआ ज्यादा सेंसिटिव है, छोटा है बहुत ज्यादा, तो दिक्कत है। और अगर वो छोटा है ना, पर वो सेंसिटिव ज्यादा नहीं है, वो स्ट्रांग है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उसे आराम से जो है छोड़ सकते हैं उसके हालातों पे। देखो 80% कछुओं का, 90% कछुओं का होता है आराम से रह जाते हैं बिना दिक्कत के, वो बहुत कम होता है कि हाँ भी ज्यादा दिक्कत आ रही है ठीक है। अब इस टाइम पे मेरे कछुए को देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, वो अपने शेल पे, उसे खुजली हो रही है तो खुजली करने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, एक बहुत ही मस्त चीज मैं आपको दिखाता हूँ जरा, थोड़ा सा ऐसे मेरे को बाहर, ये देखो अभी खुजली कर रहा है ना, एक चीज मैं बहुत मस्त दिखाऊंगा आपको एक बार यहाँ पे लाके। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने एक उंगली रखी है, और ये देखो, ये देखो, ये देखो फ्रेंड्स। खैर इसे ज्यादा परेशान नहीं करना, मैं इसे छोड़ देता हूँ वापस जाओ। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही था, और मैं ना कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, मैं पहले करता था। मैं बेसिकली सच बताऊँ, जिसको देखना है, जिसको नीड होगी खुद देखेगा, है ना, एडिटिंग से कुछ नहीं होता है। नए चैनल मैंने सब्सक्राइबर के लिए ले रखा, नए लाइक के लिए ले रखा है, ये चैनल मैंने उसलिए ले रखा है, जब मैंने बहुत बार बताया हुआ है अपनी वीडियो में, इस वीडियो में भी आपको बताता हूँ मैं। ये चैनल मैं जब अपने कछुआ लाया था, तो मेरे को सडनली गिफ्ट मिल गया था मेरे फादर से, ना इसका सेटअप ना कुछ। मैंने धीरे धीरे वीडियोस देखी यूट्यूब पे,
मैं समझा, मैंने अपने एक्सपीरियंस भी थे। फिर मैंने कहा यार मैं इतना सारा चैनल में घूम रहा हूँ, मेरे को कोई चैनल ठीक सा नहीं मिल रहा। मैंने काफ़ी कुछ खोज मारे थे चैनल, फिर जाके मुझे ठीक ठीक मतलब काफ़ी जगह से मैंने इन्फॉर्मेशन ली। फिर अपनी इन्फॉर्मेशन मैंने मतलब अपने एक्सपीरियंस से मैंने इन्फॉर्मेशन देना अपने एक चैनल बना के शुरू करा। और ये चैनल मैंने सब्स पाने के लिए नहीं करा है, वो तो मैं इसलिए बोलता हूँ जितने सब्सक्राइबर होंगे उतनी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो उतने लोगों के कछुए बचेंगे मरने से, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करो इसे। मैंने चैनल इसलिए मेनली बना रखे कि कोई बेचारा किसी को फ्री में एडवाइस चाहिए हो, जैसे वेट होते हैं आजकल के, वो क्या करते हैं 500 रुपये 600 रुपये आपका कछुआ ठीक हो जाएगा, वो काम ना रहे, है ना। तो मैं फ्री में सारी एडवाइस देता हूँ बिल्कुल, आपका बस ये काम है कि इसको शेयर करो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूँ और आगे और वीडियोज़ बनाऊँ। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और ये पागल हो चुका है फ्रेंड्स, मेरा कछुआ बार बार खुजली करे जा रहा है इधर से उधर, या तो इसको बास्किंग एरिया पे चढ़ना है काई चढ़ना है मुझे नहीं पता। मैंने 4-3 दिन से तो मतलब, या फिर 1 हफ्ता बोलो 2 हफ्ता बोलो, मैंने टब लगाया ही नहीं है। मैं इसको अलग थोड़ा बड़े सेटअप में रख रहा हूँ, पर मैंने ये नहीं लगाया क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पेपर थे, फिर अब रिजल्ट आ गया तो हमारा भाई अच्छे नंबरों से पास हो गया है, तो फ्रेंड्स मेरे को थोड़ा उसका करना पड़ा। पर मेरे को मैंने इसकी केयर में कोई कमी नहीं छोड़ी तब भी। देखो आपको फ्रेंड्स कम से कम इतना तो देना ही देना है स्पेस, आपको पता है कछुओं को रखना आसान है पर लोग समझते नहीं है बात को। मॉनसून में बस यही है, अपना नॉर्मल रखो, अगर ज़्यादा सेंसिटिव है तो हीटर लगा के छोड़ दो, ठीक है, और कुछ नहीं। और आपको भी, आप भी ऐसा सेटअप बहुत इजीली बना सकते हो, फ्लिपकार्ट पे जाओ ऐसा एक टब लो, अपना 2 ईंट डालो और कछुए को छोड़ दो, ये बेसिक है। इसमें कम से कम आपका कछुआ जैसे आपने बेकार तरीके से रखा है वैसे तो नहीं रहेगा। और अब मैं इसमें जल्द ही अपग्रेड करने वाला हूँ और चीज़ें लाने वाला हूँ अपग्रेडेशन। एक तो मैं इसमें पानी ज़्यादा ऐड करूँगा, बास्किंग एरिया मैं तो ऑनलाइन बनाने की सोच रहा, तो नेचुरली बनाऊंगा जिससे मेरा कछुआ अच्छा रहे, ठीक है। और अब मैं अपने कछुए को दिखा देता हूँ, फिर मैं वीडियो एंड अप कर दूंगा। ये खुजली करने में लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसे अगर बास्किंग एरिया पे चढ़ना है तो यूजुअली चढ़ जाता है आराम से, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा इसे खुजली हो रही क्या हो रहा है। ये ऐसे करता रहता है, ऐसे कोई बीमारी नहीं है फ्रेंड्स। एक मैं बात बता दूं आपको, ये देखो अगर इसे चढ़ना ही होता तो अपने आप चढ़ ही जाता। और काफी इंस्टा पे लोग हैं अपने कछुए को ठीक से नहीं रखते, अगर मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ, मैं पता है मैं काफी सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ जानवरों के प्लेटफॉर्म से अच्छे अच्छे से, अगर मैं किसी कछुए को देखता हूँ ना दिक्कत में, तो मेरी इतनी भी पावर है कि मैं उन्हें घर से उठवा लूँ उन जानवरों को मैं बिना परमिशन के उनसे घर लोगों के घर से उठवा सकता हूँ और अच्छी जगह पे छोड़ सकता हूँ। पर मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन समझाना चाहता हूँ, वो समझते ही नहीं है। एनिमल एड अनलिमिटेड है, काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी मैंने पीछे आपको दिखाया भी था, एक केस हुआ था जिसमें वो डॉग को मार रहे थे, वो हमारा अप्रूव हो गया था, है ना। तो मैं एक ऐसे करके एक और था, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, पर मैंने उनको समझाया, ना मेरे को नाम याद है, मैं कर भी देता एक बार के रिवील ना, मैंने उनको समझाया कछुओं को ठीक से आप नहीं रख रहे, वो उल्टा मेरे को फ्रॉड मान के उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। सो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि काश वो मेरी वीडियो देखे एक बार और उन्हें भी रियलाइज हो, लोगों को समझ में नहीं आता अपने कछुए को कैसे रख रहे हैं कैसे नहीं रखना है, बस वो ऐसे पाल लेते हैं एक छोटी सी बाल्टी में लगा के, बस दैट्स इज इट। देखिए अभी कितना हैप्पी अपना रोम कर रहा है। आप क्या सोचते हैं लोग पता क्या करते हैं, इतनी छोटी सी बाल्टी, ये तो इसका खैर स्लीप करने वाली बाल्टी है और सोक और बास्किंग करने, इतनी सी बाल्टी में पानी रख के छोड़ देंगे कछुओं को लोग, क्या होगा इसमें फ्रेंड्स। वो ऐसे लोगों को बताना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या अपने पेरेंट्स को भी समझा कि ऐसे रोम करेंगे इस बाल्टी में छोटी सी में, या फिर अपना एंजॉय कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखो मैं बोलने को तो बहुत कुछ है, समझने वाला छोटी चीज में समझ जाता है। मैंने आपको मॉनसून केयर की गाइड दे दी, सिर्फ 2 चीजें बताइए, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। बड़े कछुओं के लिए नॉर्मल सेटअप एज यूजुअल, ठीक है। छोटे कछुए जो बहुत छोटे हैं उनके लिए थोड़ा हीटर वगैरह लगा सकते हैं, मैं तो बोलता हूँ उनको भी नॉर्मल केयर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे इनएक्टिव हो रहे दिक्कत आ रही तो ही सिर्फ हीटर लगाए, नहीं तो पहले कभी भी मत लगाए सोच के कि हाँ भी मेरा कछुआ इनएक्टिव है, ये है फलाना है, ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स कभी भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए फ्रेंड्स मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो को।